धरना प्रदर्शन करने का कारण ये है कि हमारे पुत्र अभिमन्यु कुमार यादव का हमने आरटीई के तहत हमने आवेदन भरा था। तो आवेदन भरने के बाद जब इनका मेरिट लिस्ट निकला तो हमने देखा कि हमारे बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में बताया, तो हमने उसके बाद वेटिंग लिस्ट बताने के बाद हमने कार्यालय आया, डीएससी साहब के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय आया और हमने पता किया कि हमारे बच्चे का वेटिंग में सर नामांकन बता रहा है। तो क्या हुआ सर, कारण बताइए। तो हमें वहाँ ऑफिस में बताया गया कि आपका बच्चा का वेटिंग में बता रहा है, तो सेकेंड लिस्ट में हो सकता है आपका बच्चा का नाम आ जाएगा। लेकिन हमने अवगत भी कराया कि सर हमारा घर स्कूल से 500 भी मीटर नहीं है और हम लोग वहाँ के विस्थापित हैं। हम लोग हमारे जो स्कूल है, हम लोग का जमीन टूटा हुआ है, सीसीएल इसका मुआवजा भी नहीं दिया है। कहाँ पे स्कूल है? स्कूल स्वांग डीए भी है गोमिया में। अच्छा। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे बात भी रखे डीएससी साहब के पास, तो बोले कि एक आवेदन आप दे दीजिए, उसके बाद इस पे हम कार्रवाई करेंगे और फिर आप चल जाइए। तो हमने फिर घर चले गए, उसके बाद सेकेंड लिस्ट का इंतजार किए, लेकिन सेकेंड लिस्ट का इंतजार करते करते हमने मैंने थक गया। उसके बाद हमने कार्यालय आए, कार्यालय में पूछा सर अभी तक लिस्ट आया नहीं है। हमने डीएससी साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे बच्चे का भविष्य का बात है, हमारे बच्चे का किसी हाल से सर नामांकन लिया जाए। तो इसी तरह से कार्यालय हमने बार बार दौड़ धूप किया। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट भी किया डीएससी साहब से, तो डीएससी साहब हमारे रिक्वेस्ट को समझते हुए, हमारे नम्रता को समझते हुए उन्होंने एक पत्र जारी कर दिए हमारे पुत्र के नाम से। पत्रांक संख्या 1152 पत्रांक संख्या है, 15/7/2023 को जारी कर दिए कि जाइए आप स्वांग पीएवी में आप अपने बच्चे का नामांकन कर ली। पत्र लेके गए थे? हाँ, पत्र लेके गए। तो पत्र ले जाने के बाद भी वहाँ के प्रबंधक जो थे वो बोले कि हमारे पास ऐसा खबर कुछ नहीं आया है, तो हम अभी कुछ इसमें हम बात नहीं कर सकते, आप ऐसा कीजिए इसको पोर्टल में डलवा दीजिए या मेल करवा दीजिए हमारे स्कूल में। हमने एक सप्ताह दौड़ धूप करके हमने उनके मेल में, उनके पोर्टल में भी डलवा दिए। तो नेक्स्ट टाइम जब प्रिंसिपल से हम मिलने गए तो प्रिंसिपल बोले कि हाँ बाबू तुम्हारा लेटर तो आ चुका है, हमने देख लिया हूँ, लेकिन समस्या ये है कि अभी सीट फुल हो गया है, तो देखते हैं। फिर हमको बरगाने लगे, बहलाने लगे कि हो जाएगा हो जाएगा। हमने बहुत बार चक्कर लगाया, आज हमने कम से कम 20-25 दिन 30 दिन हो चुका है। अभी आप डीसी कार्यालय के पास क्या बोलने आए हैं? डीसी साहब से यही बात करने आए हैं कि हमारे बच्चे का नामांकन किसी तरह से करवा दिया जाए, यही है जो हमारे बच्चे का भविष्य का सवाल है। अगर आइन के माध्यम से अगर मेरा बच्चा का नामांकन हो जाए तो शुक्रगुजार हैं हम। हम लोग तो इतना है नहीं बड़े आदमी कि हम लोग तो बच्चे को अवॉइड करवा सकते हैं, हम लोग पढ़ा सकते हैं। यही है उपायुक्त महोदय से क्षमा, मैंने गए मिलने नहीं गए, अभी जाइएगा मिलने। हाँ जाएंगे, मिलने जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शिव कुमार यादव। कहाँ रहते हैं? स्वांग कोलवरी। चलो ठीक।